इसीलिए कह सकते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने में अहिरवाल क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, और इस बार भी जिस भी पार्टी की सरकार बनेगी उस पार्टी की सरकार बनाने में अहिरवाल क्षेत्र का एक अपना अहम योगदान होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र दत्त और आप देख रहे हैं अर्थप्रकाश टीवी। दोस्तों, जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, हरियाणा की सभी पार्टियां, हमने पहले भी बात की है कि जातीय जो समीकरण है उनको साधने की कोशिश कर रहे हैं। हरियाणा में बहुत सारी जातियां हैं जिनके ऊपर इस बार भारतीय जनता पार्टी जो है बहुत फोकस कर रही है। आज हम बात करते हैं अहिरवाल क्षेत्र की। अहिरवाल क्षेत्र जो है उसका पहले भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में बहुत अहम योगदान रहा है। इस बार जो अहिरवाल क्षेत्र है उसका क्या मूड है, इस पर चर्चा करने के लिए आज मेरे साथ हैं सतीश मेहरा जी, जो हरियाणा की राजनीति के बहुत अच्छे जानकार हैं। उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि अहिरवाल क्षेत्र जो है वो इस बार किस मूड में है। मेहरा साहब, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। मेहरा साहब, जैसा कि आप जानते हैं कि अगर हम पिछली सरकार की बात करें, भारतीय जनता पार्टी की बात करें, तो अहिरवाल क्षेत्र जो रहा है उसका बड़ा अहम योगदान रहा है वो सरकार बनाने में। तो इस बार आपको क्या लगता है कि जो अहिरवाल क्षेत्र है उसका क्या मूड है और कैसा प्रभाव रहेगा उसका हरियाणा की राजनीति पर? देखिए राजेंद्र जी, जैसा आपने बताया कि सरकार बनाने में और विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी की जो दो बार पीछे सरकार बनी है उनकी सरकार बनाने में अहिरवाल क्षेत्र का बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा है जी। क्योंकि 2014 की हम बात करें, 2014 में अहिरवाल क्षेत्र से जो 11 विधायक चुनकर आए थे और अहिरवाल क्षेत्र में 11 सीटें ही मानी जाती हैं कि ये गुड़गांव, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट की जो 11 सीट आती हैं विधानसभा क्षेत्र में, वो अहिरवाल क्षेत्र के नाम से राजनीतिक रूप से जाना जाने लगा। बिल्कुल ठीक है। तो 2014 में जैसे 11 की 11 सीट भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी, और इसी तरह से 2019 की हम बात करें तो 2019 में भी 8 सीटों पर विजय भारतीय जनता पार्टी ने पाई थी, और उन इसीलिए कह सकते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी का की सरकार बनाने में अहिरवाल क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और इस बार भी जिस भी पार्टी की सरकार बनेगी उस पार्टी की सरकार बनाने में अहिरवाल क्षेत्र का एक अपना अहम योगदान होगा। वहां पे जो 11 सीटों की हम बात करते हैं, वहां पे सांसद हैं, वहां से राविंदर जीत जी केंद्र में मंत्री हैं, उनका एक प्रभावी क्षेत्र माना जाता है जी जी जी। और वहीं से गुड़गांव से वो चुनाव लड़ते हैं, उनका तो कहीं कहीं उनका प्रभाव रहता है यादव वोट पे और अन्य जो बिरादरी के वोट है उनका कहीं कहीं प्रभाव रहता है। मेरे सर, मैं चाहूंगा भी आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि अहिरवाल जो सीटें हैं वो कौन कौन सी हैं और उन पर कौन भारी पड़ता नजर आ रहा है। जैसा कि हमने अभी बात हुई हमारी, जैसे बताया कि 3 जिला अहिरवाल क्षेत्र में 3 जिले पड़ते हैं, उनमें जो गुड़गांव की 4 सीटें हैं और रेवाड़ी की 3 सीटें हैं, और इसी तरह से महेंद्रगढ़ की जो 4 विधानसभा क्षेत्र आते हैं वो अहिरवाल के अंतर्गत माना जाता है उनको। गुड़गांव की जो सीटें हैं, गुड़गांव प्रॉपर गुड़गांव है, और बादशाहपुर है गुड़गांव की सीट है, सोना है जो अहिरवाल क्षेत्र में आती है गुड़गांव की सीट है, और पटौदी सीट है जो गुड़गांव जिले में आती है और इसको अहिरवाल के क्षेत्र में इस सीट को माना जाता है। इसी प्रकार से रेवाड़ी की हम बात करते हैं, रेवाड़ी में प्रॉपर रेवाड़ी की सीट है जी, और बावड़ की सीट है और एक कोसली सीट है, वो तीनों सीटें ये रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में की जो तीनों सीटें अहिरवाल में पड़ती हैं। उधर जो महेंद्रगढ़, अहिरवाल का गढ़ माना जाता है महेंद्रगढ़ में, महेंद्रगढ़ की प्रॉपर सीट हो गई है, और नारनौल जहाँ महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट का जो हेडक्वार्टर है नारनौल है, वो नारनौल की अपनी सीट है वो जी। और उसके बाद नांगल चौधरी की सीट है, और जो अटेली सीट है काती है जो महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट की है वो भी। इस प्रकार से 11 सीटें ये जो अहिरवाल क्षेत्र में पड़ती हैं जी जी जी। जैसे मैंने पहले बताया, अहिरवाल क्षेत्र का विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में योगदान माना जाता है और रहा है। अब हम बात करते हैं इन जो अहिरवाल के क्षेत्र हैं इन सीटों पर क्या समीकरण बैठते हैं और समीकरण किसके पक्ष में भारी पड़ते हैं, किसके पक्ष में ज्यादा जीतने के आसार हैं उम्मीदवारों के जी। तो बात करते हैं रेवाड़ी।
रेवाड़ी से हम शुरू करते हैं। रेवाड़ी में जैसे 251,508 रेवाड़ी विधानसभा में मतदाता है जी, तो ज्यादा मतदाता स्वाभाविक है यहाँ पे पुरुष मतदाता है और 53% और 47% का प्रतिशत का एक वो है आंकड़ा है, 53% पुरुष मतदाता है तो 47% मान के चलते हैं कि महिला मतदाता है। तो यहाँ से भारतीय जनता पार्टी ने लक्ष्मण यादव को मैदान में उतारा है जी, और दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी ने अपने पहले ही उम्मीदवार जो पहले विधायक भी रहे हैं कैप्टन अजय यादव के बेटे हैं चिरंजी राव जो पहले विधायक रहे हैं हरियाणा कांग्रेस युवा कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी रहे हैं जी, तो इन दोनों में मुख्य मुकाबला इन दोनों में माना जा रहा है। लक्ष्मण यादव जो निवर्तमान भारतीय जनता पार्टी के एमएलए हैं कोसरी से एमएलए हैं उनको अब की बार रिवाड़ी में शिफ्ट किया गया जी। तो इस सीट पर जो अभी समीकरण बनते हैं कहीं ना कहीं जो चिरंजीव राव है वो भारी पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, उसका एक कारण है तो उनके पिता की सीट है, उनके जो दादा की सीट है वो वहीं से चुनाव लड़ते रहे हैं, उनका कहीं ना कहीं इन जो रेवाड़ी के मतदाता हैं उनसे एक संपर्क तीन पीढ़ियों से संपर्क रहा है, तो उनका प्रभाव का जो क्षेत्र है वो कहीं ना कहीं चिरंजीव यादव को फायदा उससे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी ओर हम बात करते हैं रणधीर सिंह कापड़ीवास जो विधायक रहे वहां पे रेवाड़ी से विधायक 2014 में शायद 2014 में विधायक रहे वो, तो वो एक अरविंद यादव जी हैं, उनका दोनों ने जो भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उनसे उनके प्रचार से दूरी उन्होंने बढ़ाई हुई है और उन भारतीय जनता पार्टी के प्रचार से दूरी बढ़ाना वो कहीं 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 ना कहीं चिरंजीव के पक्ष में ये जा बिल्कुल रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल, कह सकते हैं चिरंजीव भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार है उसके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। चिरंजीव का पल्ला कहीं ना कहीं कांग्रेस प्रत्याशी का पल्ला कहीं ना कहीं बीजेपी प्रत्याशी लक्ष्मण यादव पर भारी है, मतलब रेवाड़ी से कहीं ना कहीं कांग्रेस का जो पल्ला है वो भारी नजर आ रहा है जी जी। तो दूसरी ओर बावल की बात करते हैं, बावल में अब की बार कांग्रेस ने डॉक्टर एमएल रंगा को टिकट दिया है, वो पहले भी यहाँ से विधायक रहे हैं मंत्री रहे हैं और डॉक्टर हैं, वो साहित्य में डॉक्टर हैं। दूसरे और डॉक्टर जो भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया वो चिकित्सा में डॉक्टर है, डॉक्टर कृष्ण कुमार को टिकट दिया है, वो जो भारतीय जनता पार्टी उन्होंने अभी ज्वाइन किया है, पहले हेल्थ डिपार्टमेंट में डायरेक्टर के पद पर कार्यरत थे वो, उन्होंने एक दिन पहले रिजाइन किया और भारतीय जनता पार्टी का टिकट उन्होंने पाया और उम्मीदवार भी बने, तो वो नए कैंडिडेट हैं और डॉक्टर कृष्ण कुमार नए कैंडिडेट हैं और जो एमएल लंगा वो अनुभवी कैंडिडेट हैं। तो जो डॉक्टर कृष्ण कुमार को जो टिकट उनकी बताई जा रही है कहीं ना कहीं उनके प्रभाव से टिकट मिली है, राव इंद्रजीत के प्रभाव से, राव इंद्रजीत के खाते में टिकट जा गई है, तो राव इंद्रजीत की का भी एक मजबूरी है उनको जिताना और अपने जो वोट बैंक उनका पूरी कोशिश भी करेंगे, कोशिश करेंगे वो बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें जो डॉक्टर बनवारी लाल पहले निवर्तमान विधायक अभी दो बार मंत्री रहे दो बार विधायक बने उनको भी टिकट दिलवाने में राव इंद्रजीत का महत्वपूर्ण योगदान रहा था, तो अब की बार डॉक्टर बनवारी लाल अब की बार चुनाव प्रचार से बिल्कुल दूर दिखाई दे रहे हैं। डॉक्टर बनवारी लाल का चुनाव प्रचार से दूर रहना ये भी उसको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाता है भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को बिल्कुल बिल्कुल। और एक और मेन फैक्टर वहां पे है, वहां पे एक जाट की 84 खाप है, 84 जाट खाप के नाम से जाना जाता है, खाप है जाटों की, वहां पे 84 गांव पड़ते हैं बावड़ क्षेत्र में, छोटे बड़े मिला के 84 गांव। तो अब की बार जो जाट मतदाता पर भूपेंद्र हुड्डा का प्रभाव है जी जी जी, और वैसे भी अगर वो प्रभाव भूपेंद्र हुड्डा का काम आता है तो कहीं इसके कांग्रेस पार्टी के जो मुनिलाल एमएल रंगा है उनको कहीं कहीं फायदा मिलता हुआ दिखाई, कहीं ना कहीं जो किसानों का आंदोलन हुआ था वो जाट उस वजह से भी कहीं ना कहीं नाराज हैं भारतीय जनता पार्टी से, तो वहां भी कहीं ना कहीं जो फायदा है निश्चित रूप से। अब की बार हरियाणा में देखो जाट मतदाताओं पर जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र हुड्डा उनका प्रभाव है, ये मानने वाली बात है जी जी, उनको नकार नहीं सकते हम बिल्कुल ठीक है। अब आते हैं कोसली विधानसभा क्षेत्र है जी जी, कोसली विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी ने अनिल डहिना को मैदान में उतारा है और दूसरी ओर कांग्रेस के जगदीश यादव हैं, तो दोनों में मुख्य मुकाबला दोनों में है, लेकिन अनिल डहिना जो जिन्होंने पार्षद का चुनाव लड़ा था पहले वो पार्षद का चुनाव बिहार हार चुके हैं
और भारतीय जनता पार्टी के जो वहां से जो दावेदार थे, टिकट के दावेदार थे, अभिमन्यु थे, अभिमन्यु जो मुख्यमंत्री ओएसडी रहे हैं वो दावेदार थे, उनको टिकट नहीं मिल पाई। दूसरी ओर विक्रम ठेकेदार भी वहां से टिकट के, भारतीय जनता पार्टी के टिकट के दावेदार थे। तो अब दोनों ही जो मुख्य दावेदार थे, इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रचार से किनारा किया हुआ है। और वैसे भी यादव को होली की आशा दी है, थोड़ा सा दूरी बनाई हुई है जी। तो ये दूरी जो इन जो मुख्य जो दावेदार थे इन्होंने बनाई है, ये कहीं ना कहीं अनिल डैना के लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है। अनिल डैना का वैसे भी पार्षद जो चुनाव लड़ा था उसमें हार गए थे। जो व्यक्ति पार्षद के चुनाव में हार गया और पार्टी की उनको प्रत्याशी बनाती है, तो कहीं ना कहीं हाँ फिर कहीं ना कहीं उनको कहीं ना कहीं कमजोरी है, कमजोर माना जाता है। तो इसलिए जगदीश यादव वहां पे कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के जो उम्मीदवार है वो भारी पड़ रहे हैं। तो अब बात करते हैं महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट की। महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में महेंद्रगढ़ की सीट पर जो कांग्रेस ने टिकट दिया है वहां पे रावदान सिंह को, रावदान सिंह पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं, 5 बार विधायक रहे हैं और प्रेसिडेंट भी, सांसद का चुनाव भी उन्होंने लड़ा था, हालांकि वो हार गए थे महेंद्रगढ़ और भिवानी सीट से। और दूसरी ओर जो कंवर सिंह यादव को भारतीय जनता पार्टी ने मैदान में उतारा है जी। और महेंद्रगढ़ एक ऐसी सीट है जहां से प्रोफेसर रामविलास शर्मा, बहुत ही कद्दावर नेता भारतीय जनता पार्टी के हैं, उनको वो वहीं से विधायक रहे हैं, कई बार विधायक रहे हैं और हरियाणा में मंत्री रहे हैं, उनको अब की बार भारतीय जनता पार्टी ने टिकट नहीं दिया बिल्कुल ठीक। और उस टिकट न देने की वजह से बहुत रोष प्रकट उन्होंने, नाराजगी उन्होंने दिखाई थी और अपना जो इंडिपेंडेंट के रूप में उन्होंने नामांकन भी दाखिल किया था, लेकिन बाद में जो कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उनको मना लिया है। हाँ जी, और वो मने हैं ना नहीं मने हैं ये तो रामविलास शर्मा ही जाने, लेकिन मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं उनकी नाराजगी का जो है या उसकी का असर होगा, समर्थक जो है वो कहीं ना कहीं नाराज रहेंगे, असर होगा नहीं होगा ये तो देखने वाली बात है, लेकिन कहीं ना कहीं एक चुनाव प्रचार से कहीं ना कहीं दूरियां बढ़ाएंगे। होता क्या है, हर जो एमएलए होता है, जो हर जो नेता होता है ना, उसके कुछ कैडर होता है, उसके कुछ समर्थक पक्के होते हैं, जब उसको टिकट नहीं मिलती तो कहीं ना कहीं उनकी नाराजगी जो होती है जब वो बनती है। यस यस, जब उनको खुद को स्वयं को टिकट मिलता तब कुछ उनके कार्यकर्ताओं में उत्साह अलग होता है, बिल्कुल। अगर उन्हें टिकट नहीं मिलता फिर उत्साह जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। कहीं कहीं उसका खामियाजा महेंद्रगढ़ सीट पे कंवर सिंह यादव को कहीं कहीं होगा जी जी। दूसरी एक वहां पे संदीप सिंह है जो पूर्व मंत्री थे, बहादुर सिंह उनके बेटे हैं, वो एचसीएस अधिकारी है, उन्होंने रिजाइन किया था, पीछे भी चुनाव लड़ा था उन्होंने, और एक समाज सेवा में उनका नाम है, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी अच्छे वोट मुझे लगता है आने में कामयाब होंगे, लेकिन अल्टीमेटली कहीं ना कहीं रावदान सिंह वहां पे भारी पड़ते नजर आ रहे हैं। तो अब नारनौल की बात करते हैं। नारनौल में ओपी यादव हैं, भारतीय जनता पार्टी ने ओपी यादव को टिकट दिया है, कांग्रेस ने राव नरेंद्र को मैदान में उतारा है, दोनों में मुख्य मुकाबला है। तो वहां पे एक जातीय समीकरण का जो वो बनता है उसमें बीजेपी और बीजेपी के लिए सैनी और यादव जी, जो इस जो जातीय समीकरण को के वोट को साधने में जो कामयाब होगा वो उम्मीदवार बाजी मारेगा। और ये जो समीकरण है मुझे लगता है सैनी और यादव का जो समीकरण है ये ओपी यादव के पक्ष में जाता हुआ दिखाई दे रहा जी। है ओपी यादव के पक्ष में, तो ओपी यादव कहीं ना कहीं यहाँ पर जो राव नरेंद्र है उन पे भारी पड़ते नजर आ रहे हैं। अब बात करते हैं नांगल चौधरी सीट की। नांगल चौधरी सीट पर भारतीय जनता पार्टी के तीसरी बार मैदान में उतरे हैं अभय सिंह यादव। दो बार यहाँ से विधायक रहे हैं और पूर्व आईएएस अधिकारी हैं वो जी। उन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट लेकर चुनाव लड़ा था और उनका एक समाज सेवी के रूप में एक उस नांगल चौधरी में एक नाम है और काफी काम उन्होंने किया है, लेकिन दो बार लोगों ने उनको चुनाव जिताया है। ये उनके एक सामाजिक रुतबे को देखते हुए सामाजिक कार्यों के बदौलत दो बार वो चुनाव जीते हैं। अब की बार डॉक्टर मंजू चौधरी को कांग्रेस ने चुनाव मैदान में उतारा है जी। तो मंजू चौधरी जो है जो गुजर समुदाय से आती हैं जी, और चौधरी मूलाराम गुजर समुदाय के एक जाने माने नेता है,
वो चुनाव भी लड़ चुके हैं और विधायक भी रहे हैं और वो चौधरी फूसाराम के परिवार से आते हैं। चौधरी फूसाराम भी कई बार विधायक रहे हैं, INLDC भी रहे हैं जी जी, दूसरी पार्टियों से इंडिपेंडेंट भी रहे हैं, तो उनका एक प्रभाव है उस क्षेत्र में गुज्जर वोटों पर और एक अपना उनका पर्सनल वोट बैंक भी है। मंजू चौधरी को अब की बार डॉक्टर मंजू चौधरी को कांग्रेस ने चुनाव मैदान में उतारा, कहीं कहीं उनकी लेगेसी को आगे बढ़ाने के लिए चुनाव मैदान में भी उतारा है और उनका जो पारिवारिक जो राजनीतिक घराना रहा है उसकी वजह से भी, और उसका कहीं ना कहीं डॉक्टर मंजू चौधरी को लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और एक बात और है, जो हम जहाँ वहां पे एक जातीय समीकरण भी काम आता है, जाट और गुज्जर जिसके पक्ष में जाते हैं वो कहीं ना कहीं वो उम्मीदवार भारी रहता है। और अब की बार माना जा रहा है कि वहां से जो फीडबैक मिल रहा है, जो मीडिया के लोगों से हमने बात की है या और आम लोगों से हमने बात की है, तो वहां कहीं ना कहीं जाट और गुज्जर समुदाय के लोग डॉक्टर मंजू चौधरी के पक्ष में कहीं ना कहीं ज्यादा लाभबंद है, तो इसलिए डॉक्टर मंजू चौधरी को वहां लाभ मिलता है। तो अटेली सीट है, इसके बाद अटेली सीट पर भारतीय जनता पार्टी के है ना आरती राव जी, आरती राव सिंह चुनाव मैदान में, वो राव इंद्रजीत जी की बेटी हैं, जो MP हैं गुड़गांव से जी जी, और केंद्र में मंत्री हैं और भारतीय जनता पार्टी में 10 साल से मुझे लगता है 10 साल उनको हो गए हैं और एक अपना उनका मुकाम है भारतीय जनता पार्टी में, बिल्कुल ठीक है। उनका जो प्रभाव है उस क्षेत्र में अहिरवाल क्षेत्र में मुझे लगता है सबसे ज्यादा प्रभाव राव इंद्रजीत का रहा है और अभी भी है, और उनकी बेटी चुनाव मैदान में है तो उनके सामने जगदीश यादव को कांग्रेस ने टिकट दिया है, मुझे नहीं लगता वहां पे जगदीश यादव को फायदा मिल सकता है, कोई ज्यादा फायदा मिलेगा, तो आरती राव की सीट वहां पे सुरक्षित मानी जा रही है। तो आगे अभी सप्ताह पड़ा है, अभी तो एक सप्ताह बड़ा कुछ बड़े सारा अप एंड डाउन आते हैं, उलटफेर होगा जी जी जी, और अगर कोई ज्यादा उलटफेर नहीं हुआ तो मुझे लगता है आरती राव वहां पे भारी है जी। और चुनाव का जो पिछला एक लास्ट वीक होता है उसमें दो दो दिन के बाद ग्राफ बढ़ता है बिल्कुल जाता है बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं इनके नेताओं के बयान आएंगे, नेताओं के बयान को दूसरी पार्टियां कैसे कैश करता में लेके जाती हैं वो देखने वाली बात है। तो इनसे बहुत पिछला जो सप्ताह होता है वो बड़ा मार्मिक होता है, अहम होता है, और अहम होता है सभी उम्मीदवारों के लिए जी। इसी तरह बात करें तो अहिरवाल क्षेत्र की बात करें तो गुड़गांव जो सीट है वो भी अहिरवल क्षेत्र में आती है और कहीं ना कहीं NCR में पड़ती है, NCR से प्रभावित वो सीट है, वहां कैसा प्रभाव नजर आता है, क्योंकि अगर हम बात करें दिल्ली के साथ लगती है तो वहां आम आदमी पार्टी जो है वो पिछले 10 साल से वहां राज कर रही है, तो इस सीट पर कैसा प्रभाव रह सकता है गुड़गांव वाली सीट पर? देखिए गुड़गांव की हम बात करें, गुड़गांव सीट है एक प्रॉपर, एक बादशाहपुर सीट है, एक सोना और पटौदी जी, चार सीटें गुड़गांव में डिस्ट्रिक्ट में आती हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण सीटें हैं, NCR के एरिया में आती हैं जी, और इनका मतदाता भी अलग तरह का होता है बिल्कुल, क्योंकि प्रवासी मतदाता काफी होते हैं, एजुकेटेड भी हैं, छोटा तबका भी है, सभी तरह के मतदाता इनमें है। ये इन सीटों पर देखने वाली बात है, पहले जो 2014 की बात करें उनपे सारी की सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी की थी, इसी प्रकार से अब क्या होगा, ये गुड़गांव की हम बात करते हैं, गुड़गांव में मोहित ग्रोवर हैं, कांग्रेस पार्टी ने चुनाव मैदान में उनको उतारा है और दूसरी ओर मुकेश शर्मा को भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव मैदान में उतारा है, दोनों में सीधी सीधी टक्कर है, एक नवीन गोयल भी आजाद उम्मीदवार है जो बीजेपी के बागी उम्मीदवार है, नवीन गोयल का वोट बैंक वो भी अपना वोट बैंक वैश्य समुदाय में मानते हैं और मोहित ग्रोवर पंजाबी समुदाय से आते हैं और उधर मुकेश शर्मा वो ब्राह्मण समुदाय से आते हैं और पंजाबी बाहुल सीट है ये जी जी, और कहीं ना कहीं मोहित शर्मा को इस पंजाबी बाहुल सीट होने का फायदा मिल रहा है, और वैसे भी मोहित ग्रोवर ने पीछे चुनाव लड़ा था, इंडिपेंडेंट लड़ा था 2009 में, 49-50 हजार के आसपास वो वोट लेके गए थे, तो इसलिए उसको वोट बैंक को देखते हुए मोहित ग्रोवर को अगली बार चुनाव मैदान में कांग्रेस ने उतारा है, इस सीट पर मोहित ग्रोवर भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं जी। तो अब बात करते हैं बादशाहपुर सीट बहुत एक इम्पोर्टेंट सीट है, हॉट सीट है, वहां से राव नरवीर चुनाव लड़ते हैं, अब की बार फिर राव नरवीर चुनाव मैदान में और भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव मैदान में,
तो रावनर भी पहले भी 6 बार, शायद मैं गलत ना हूं तो 6 बार चुनाव विधायक रह चुके हैं जी, और 3 बार मंत्री रहे हैं हरियाणा सरकार में। तो उनका एक वहां पर एक टीम है, उनकी एक संपर्क है अपने वोटर से जी जी जी, तो उसको कैश करने का अनुभव है उनका, वो कहीं कहीं चुनाव को मैनेज करने में और एक चुनावी मैनेजमेंट के रूप में एक मास्टर माने जाते हैं। तो वो कहीं कहीं अपने जो मतदाता हैं, अपने जो संपर्क के लोग हैं, जो उनको साधने में कहीं कहीं वो कोई कमी नहीं, जो अपने अनुभव का वो फायदा ले सकते हैं। दूसरी ओर वर्धन यादव को कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया, वर्धन यादव एक नए कैंडिडेट है और युवा है, 30-32 साल की मुझे लगता है उम्र है उनकी, और पहली बार कांग्रेस पार्टी से टिकट लेकर आए हैं जी। और मुझे ऐसा लगता है कि, और पता भी चला है कि जब गुड़गांव में बात हुई, कई लोगों से बात हुई है, तो कहीं ना कहीं इस सीट पर रावनर भी भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये कहीं ना कहीं जो सीट है वो भारतीय जनता पार्टी की फेवर में जाती जाती नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी के प्रचारक आएंगे, जो स्टार प्रचारक हैं, और अभी हम तो अभी की बात करते हैं आज की डेट में, जो क्योंकि देखिए मैं दर्शकों को हमेशा बताना चाहता हूँ, आज जो हम विश्लेषण कर रहे हैं ये विश्लेषण हमारा आज का होता है कि आज स्थितियां कुछ ऐसी हैं, आने वाला एक सप्ताह अभी पड़ा है और एक सप्ताह में प्रचार का जो एक हफ्ता पड़े, बहुत सारे स्टार प्रचारक आएंगे हर पार्टी का, और बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं आखिरी हफ्ते में, जैसे मेरा सामने भी बताया कि बहुत कुछ अप डाउन होता है और आखिरी पहरा बड़ा अहम होता है, आखिरी जो हफ्ता होता है बड़ा अहम होता है। तो हम जो विश्लेषण यहाँ पे करते हैं ये हमारा आज का विश्लेषण है कि आज जो स्थितियां हैं वो ऐसी हैं जी। तो अभी सीट है हमारे पास सामने है सोना, सोना भारतीय जनता पार्टी के जो तेजपाल तंवर हैं और कांग्रेस के रोहतास खटाना है, दोनों ही गुजर समुदाय से आते हैं, तो यहाँ पे दोनों में कांटे की टक्कर है जी। और ये अभी कुछ कहना मुश्किल है कि कौन भारी है कौन कम है। तो तेजपाल तंवर अनुभवी हैं, रोहतास खटाना अभी भी दूसरी पार्टी से छोड़कर वो टिकट लेकर कांग्रेस की टिकट लेकर आए हैं, तो क्या रहता है कैसे चुनाव होता है 7 दिन में पता चलेगा। लेकिन दोनों जो उम्मीदवार हैं गुज्जर समुदाय से होने के कारण इसमें कहीं ना कहीं मुझे लगता है तेजपाल तंवर जी, क्योंकि गुज्जर यहां भी मतलब कहीं ना कहीं बीसी का झुकाव कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ है। तो इस तरह से सोना सीट पर दोनों ही जो उम्मीदवार हैं वो गुज्जर समुदाय से हैं और ओबीसी से दोनों उम्मीदवार आते हैं, इसलिए मुझे लगता है कि सोना सीट पर जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, क्योंकि ओबीसी का अब की बार जो झुकाव है भारतीय जनता पार्टी की तरफ है और मैक्सिमम वोट जो गुज्जर समुदाय के हैं वो भी बीजेपी की तरफ जाएगा, इसलिए मुझे कहीं ना कहीं लगता है तेजपाल तंवर वहां पे भारतीय जनता पार्टी की भारी पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं कांग्रेस के उम्मीदवार पर। अब बात करते हैं पटौदी की, पटौदी में भारतीय जनता पार्टी ने अब की बार जो उम्मीदवार है वो बदला है, तो उससे पहले जरावता जी निवर्तमान जो विधायक हैं वो थे और उनका टिकट काटकर अभी बिमला चौधरी को टिकट दिया, जो 2014 में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर विधायक बनी थी और अब की बार फिर 2019 में उनका टिकट काट दिया था, अब की बार फिर भारतीय जनता पार्टी ने उनको चुनाव मैदान में उतारा है। और दूसरी ओर जो कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार है वो परल चौधरी है, भूपेंद्र सिंह की बेटी है, वो भूपेंद्र सिंह वहां से पटौदी से विधायक रहे हैं जी, और उनकी लेगेसी को आगे बढ़ाने के लिए परल चौधरी चुनाव मैदान में उतरी, वो एक सरकारी कर्मचारी थी, सरकारी कर्मचारी से नौकरी से रिजाइन करके वो कांग्रेस का टिकट पाया उन्होंने जी, और अब की बार नई पहली बार चुनाव लड़ रही है, हालांकि बिमला चौधरी दूसरी बार चुनाव मैदान में है। तो अब देखने वाली बात, दोनों ही एक समुदाय से हैं और जो रामदासिया समुदाय पे डिपेंड करता है उसके, रामदासिया समुदाय और दूसरा जो बीसी एससी का के समुदाय वो किसके पक्ष में ज्यादा जाता है, अगर रामदासिया समुदाय में से ज्यादा वोटें वो विमला चौधरी लेने में सफल रही तो निश्चित रूप से उनको फायदा होगा, और बैकवर्ड क्लास में भी ओबीसी वोट को अगर ज्यादा साधने में विमला चौधरी सफल रहती है तो उनको फायदा होगा। और उधर जो बिमला चौधरी की टिकट जो बताई जा रही है वो कहीं ना कहीं राविंदर जीत के माध्यम से वो टिकट लेके आई है, राविंदर जीत का उस इलाके में यादव वोट में प्रभाव है निश्चित रूप से, ये जानी हुई है, तो कहीं ना कहीं लगता है वहां पे बिमला चौधरी
भारी पड़ रही है। जैसे हमने एक आंकलन किया, एक बात की है, चर्चा की है, आंकलन हमारे सामने आया है, कहीं कहीं लग रहा है कि अहिरवाल की जो 11 सीटें हैं उसमें कहीं 6 सीटों पर कांग्रेस और 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। आगे से एक सप्ताह के दौरान क्या होगा, बड़े अप एंड डाउन आ सकते हैं जी जी, उसके बारे में हम कह नहीं सकते, लेकिन आज की जो स्थिति जो बनती हुई दिखाई दे रही है वो 6 सीट कांग्रेस और 5 सीट पर जो भारतीय जनता पार्टी भारी है। बिल्कुल ठीक है। सो दोस्तों, जो वोट है वो हर आदमी का अधिकार है और हर वर्ग हर समुदाय जो है इसमें अहम रोल अदा करता है। मेरी आप सब लोगों से जो ये हमें देख रहे हैं, चाहे वो टीवी के माध्यम से देख रहे हैं, चाहे यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं, किसी भी तरह हमें देख रहे हैं, सबसे गुजारिश है कि अपनी वोट का जो है वो इस्तेमाल जरूर करें, क्योंकि वोट आपका हक है। आप अपने वोट के माध्यम से अपना प्रतिनिधि चुन सकते हैं जो आपकी प्रॉब्लम्स, आपकी दिक्कतों को आगे सरकार तक ले जाकर उनको हल करने की कोशिश कर सकता है। और मेरी सभी से गुजारिश है कि कोई भी, चाहे किसी भी समुदाय विशेष से हो, आप वोट के टाइम पे आपस में समुदाय को लेकर किसी भी तरह के झगड़े में मत पड़े, क्योंकि वोट जो है वो आने जाने हैं, आते जाते रहेंगे, कुछ समय की बात है, और जो आपका प्यार है, आपका भाईचारा है, ये हमेशा रहता है। आगे की चुनावी चर्चा के लिए देखते रहे अर्थ प्रकाश टीवी। मेरा साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद आपका भी। थैंक यू।